स्टॉक्स में आप काफी गिरावट देख रहे हैं। इरकॉन, आईआरसीटीसी अलग टेरिटरी में, वायदा कारोबार का मेंबर है। आईआरएफसी देख लीजिए, उसमें बड़ी वीकनेस आ रही है और ये मार्केट का फेवरेट हो गया था। सर साहब, आईआरएफसी पर नजर थी सर, क्योंकि 24 से 34, 35 तक एक वन वे जबरदस्त रैली आई थी और देखिए सर, कुछ ही समय में ये 28 के लेवल पर आ गया। तो जो काफी समय में इसने रैली दिखाई थी वो दो तीन दिन में गिव अप कर दी है, अब 28 पर आईआरएफसी की राय क्या बनती है सर? नहीं बिल्कुल दीपांशु, ये जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं, चाहे वो आईआरएफसी है या राइट्स है या आरवीएनएल है या टीटागढ़ वैगन है, आईआरसीटीसी है, सब में हमने एक धुआंधार तेजी देखी और फिर वहां से पिछले तीन चार दिनों में एक जबरदस्त करेक्शन इन सब स्टॉक्स में हुआ है। हालांकि देखिए, यहाँ से अब हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है और मेरा ये मानना था या मानना है कि रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स वगैरह अच्छा करने चाहिए यहाँ से, बट ओवरऑल जब बाजार में इतनी भारी सेलिंग या भारी गिरावट देखी जा रही है तो कुछ भी नहीं टिकता है और लोगों के पास जहाँ भी थोड़ा बहुत मुनाफा बचा है, क्योंकि मेनली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो कैपिटुलेशन जैसा माहौल, आज पैनिक जैसा माहौल देखा जा रहा है, मुझे लगता है सब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी इसी तरह से बिक रहे हैं। ये जो अगर किसी को इस सेक्टर पे निवेश करना है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत शुरुआत इस इन लेवल्स पे आप करनी चाहिए। अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद मुझे लगता है जब बाजार में सेंटिमेंट ठीक होंगे तो वापस से सेक्टर चलेगा। तो आई वुड से एक स्टैगर्ड अप्रोच यूज करते हुए इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग शुरू करनी चाहिए। तो इन स्टॉक्स में अब आप खरीदारी का मौका ढूंढे ना ही बिकवाली का। इस बीच एक बार जरा